दोस्तों अपन ने मैं आपको एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पूरी कहानी बता दी थी। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे फिनोल को बनाया जाता है। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी जिसके अंदर मैंने बेटा जी आपको बताया था एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनोल कैसे बनता है। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अपन रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, 1/2 O2 के साथ, हाफ O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और वहाँ पर एक चमचमाता हुआ फिनोल का निर्माण होता है बेसिकली। अब मैं उसके आगे दूसरी रिएक्शन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, यानी इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी रिएक्शन कैसे होगी, यानी फिनोल को कैसे बनाया जाता है बेसिकली, उसको मैं आगे फर्दर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को साफ साफ नोट्स बनाइएगा और ध्यान में रखना है बेटा जी। अब मैं दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताता हूँ फिनोल की, बेसिकली क्या कहानी चल रही थी अभी तक। अभी तक कहानी के अंदर मैंने आपको क्या क्या उसके बारे में आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ, यानी तरीका क्या बताया, सारी मैं आपको कहानी बेसिकली बता चुका हूँ। तो मैंने क्या कराया उसका, पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन कराया, लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं जितना भी हो सके, 30 मिनट का समय हो चुका था और लेक्चर को अपने को उसको सीखना जरूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भाई, कार्बनिक रसायन को। तो मैंने बताया रिकॉल के अंदर, मैंने लेक्चर के अंदर क्या बताया मैंने आपको कि आपको बेसिकली उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताया, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग बताई और उसके टाइप्स यानी उसके क्लासिफिकेशन फिनोल के हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर जो बेंजीन वाले से जुड़ा होता है बेसिकली। इतनी मैं कहानी आपको बता चुका था। अब देखिएगा जनाब, ध्यान दीजिएगा, दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहली मैंने करा दी है। पहली का नाम क्या था, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनोल को कैसे बनाया जाता है, हाउ द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जनाब ध्यान दीजिएगा, दूसरी रिएक्शन में स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना जी बेटा। दूसरी रिएक्शन का नाम है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एरिल हैलाइडों से, एरिल हैलाइडों से कैसे फिनोल को बनाया जा सकता है, हाउ द प्रिपेयर ऑफ फिनोल इन लेबोरेटरी फ्रॉम एरिल हैलाइडों से कैसे बनाया जाता है, किसको बेटा जी, फिनोल को। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाई एराइल हैलाइड, यानी एराइल हैलाइड से इसको कैसे बनाया जाता है। जनाब ध्यान दीजिएगा, पहले एरिल हैलाइडों से कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको बता रहा था, एरिल हैलाइडों से कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आप क्या लेके आएंगे, क्लोरोबेंजीन लेके आओ। पहले क्या लेके आएंगे जनाब, ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन को, क्या लेके आएंगे जनाब, क्लोरोबेंजीन लेके आओ, स्ट्रॉन्ग बेस लेके आओ, क्या लेके आओ, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, ध्यान दीजिएगा इधर। पहले लेके आएंगे क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, दिस इज ए क्लोरोबेंजीन, यह क्लोरोबेंजीन है, मैं लिख देता हूँ साफ साफ अक्षरों में, क्लोरोबेंजीन क्या है बेटा जी, क्लोरोबेंजीन, ये दिस इज ए क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब प्रबल क्षार, क्या ले सकते हैं आप यहाँ पे NaOH भी ले सकते हो और KOH भी आप ले सकते हो बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे जनाब ले लिया NaOH ले लिया। अब क्या करेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लेंगे, यानी मैंने क्या बोला, उच्च ताप व उच्च दाब, यानी हाई टेम्परेचर लेना है और उच्च प्रेशर लेना है, यानी उच्च, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाई प्रेशर, और एक लेना है इसके अंदर हाई टेम्परेचर। तो जनाब आप स्ट्रेट एरो में लगाइएगा, क्या लेना है बेटा, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे उच्च ताप वे उच्च दाब, यानी जनाब ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें लेना है हाई टेम्परेचर, हाई इंग्लिश ही बोलते जा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जनाब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने को क्या स्टेट एरो के अंदर लगाना है, तो लगाना क्या है यहाँ पे, उच्च दाब, यानी इसके अंदर हाई टेम्परेचर लेना है और हाई प्रेशर। तो ये बेसिकली अपनी कहानी चल रही थी। तो कहानी के अंदर मैंने क्या बताया, क्लोरोबेंजीन लेके, ये दिख रहा है आपको क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, इसका नाम क्या है, प्रबल क्षार, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, प्रबल क्षार, प्रबल
छार है, इसको बोलते हैं जनाब इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बेस। क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है? दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH लेंगे, इसका कराएंगे अपन डिसोसिएशन, कराते हैं। क्या कराते हैं? डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन होता नहीं है, आयोनाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा? आयोनाइजेशन यानी आयनीकरण होता है। तो इसके ऊपर क्या जाएगा? मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज। मेटल क्या करती है? अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है। और इसके पास पार्शली नेगेटिव चार्ज। जनाब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पे अपन कराते हैं विस्मांश विखंडन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, यानी इसको बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है? जहाँ पे असमान होता है, असमान वितरण होता है किसका? इलेक्ट्रॉनों का, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आल्सो नोन एज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब यहाँ पे क्या करें? इसका बंद का विघटन कर देंगे, यहाँ पे विस्मांश विखंडन कर दें। तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। किसकी? इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इतनी सभी को कहानी समझ में आ गई है, स्टोरी स्टोरी आपको समझ में आ गई कि इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा था। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन था, बेसिकली क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मेटल के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, लूज करती है अपने को इलेक्ट्रॉनों को। और यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जनाब कहानी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है, मजेदार नेम रिएक्शन है, रिएक्शन चल रही है। नेम रिएक्शन तो आगे फटाऊंगा, थोड़ा बहुत आप देख लेना, कुछ गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, पॉसिबल हो सके तो। क्लोरोबेंजीन यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन स्ट्रॉन्ग बेस लिया, NaOH सारा काम कर दिया यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव सभी ने आयनाइज, इसको बॉन्ड में तोड़ दिया। अब राज की बात है, राज की बात क्या है बेटा? राज की बात है इंट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होगा। क्या करेंगे आपस में? आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेगा, प्लस का जाएगा माइनस के पास और माइनस का जाएगा प्लस के साथ, क्योंकि ये दोनों कंप्लीट होने के लिए तैयार है, आपस में जुड़ने के लिए तैयार है। एडिशन प्रोडक्ट बना लेंगे, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी अभिकारक से उत्पाद। जनाब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है भाई। प्लस का जाएगा माइनस के पास, बन चुका है फिनोल, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ इंट्रैक्शन में गया। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव, ये आपस में क्या करेंगे? इंट्रैक्शन करेंगे, प्लस का माइनस के साथ इंट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये Cl दिख रहा है सभी को, Cl इसके साथ जाएगा, बाहर हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बाहर चला जाएगा। तो ये फेनिल या फेनिल समूह है, फेनिल समूह है C6H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह, ये प्लस का इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा। सभी ध्यान दीजिएगा भाई, ये प्लस का है, ये आपस में क्या करेंगे? दोनों इंट्रैक्शन करेंगे आपस में अट्रैक्शन करेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, एडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का माइनस दोनों ऐड हो गए बेटा जी। क्या बनेगा बेटा जी? क्या बनने वाला है स्टेट एरो में? ध्यान दीजिएगा, तो जनाब बन चुका है C6H5OH प्लस। यहाँ पे क्या बना जनाब? मैंने बोला NaCl बाहर जाएगा, कचरा होता है NaCl, क्या होता है? कचरा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लास्ट वाले प्रोडक्ट के अंदर जो इसके साथ जो अपना मेन है ना, अपने को फिनोल बनाना है, ये तो कचरा, इसका कोई मतलब है NaCl, NaCl दिस इज ए कचरा, ये कचरा होता है बेसिकली NaCl, यानी ये डस्टबिन की तरह होता है, इसका कोई मतलब नहीं, बाहर छोड़ दो इसको। यहाँ पे क्या बन गया? चमचमाता हुआ फिनोल तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया बेटा? फिनोल तैयार हो गया। सभी की रिएक्शन समझ में आ गई? दोबारा समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना जी भाई। क्लोरोबेंजीन लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये दो फेनिल ग्रुप है ना C6H5, इसके साथ इंट्रैक्शन करेगा OH ग्रुप के साथ, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और पार्शली इसके पास नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे, और यहां से NaCl बाहर चला जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इतना सभी के समझ में आ गया, फिनोल बन गया। यहां पे इसका नाम लिखो फिनोल। तो अपनी क्या तैयार हो गई? फिनोल तैयार हो गई बेटा। क्या तैयार हो गई? फिनोल, फिनोल तैयार हो गई, फिनोल। अब ध्यान दे रहा जी बेसिकली, अब क्या मैं आपको थ्योरी लिखाने जा रहा हूं? लिखिएगा जनाब, थ्योरी लिखेगा बेटा जी। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो
इथिनोल का निर्माण होता है। ध्यान से सुनिएगा, साफ साफ नोट्स बनाने हैं नोटबुक के अंदर, बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, पूरा है ना आपको साफ साफ नोट्स बनाने। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं राजपूताना पीजी कॉलेज के, उनको पूरे नोट्स बनाने साफ साफ, एक एक लेक्चर को देखना है सिक्वेंस वाइज। जैसे फर्स्ट लेक्चर देख लिया, सेकेंड लेक्चर देख लिया, थर्ड देख लिया, ऐसे चलता रहेगा कंटिन्यू, बी कंटिन्यू। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर क्या लिया बेटा, क्लोरो बेंजीन लिया। अब इसके अंदर मैंने NaOH लिया, तो मैंने क्या बोला थ्योरी के अंदर, जब क्लोरो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो फिनोल का निर्माण होता है। तो सभी ने लिख लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं तीसरी रिएक्शन आपको कराने जा रहा हूं, तो ध्यान देना जी। तीसरी रिएक्शन का नाम लिखो जी बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांद तारे लगा दो इसके, तो चांद तारे लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी रिएक्शन है बेटा जी, बहुत ही मजेदार है, डाउ प्रक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनाब क्या बोलते हैं बेटा जी, डाउज प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, डाउज प्रोसेस क्या होती है, व्हाट डू यू मींस डाउज प्रोसेस, आप क्या जानते हो इसके बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा सर की कहां पे गलती आ रही है। गलतियों से मैं आपको, मेरी जो गलती है तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा जी। डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम, तो इसकी कहानी बेसिकली क्या होती है, अब क्या लेके आना है, सभी के समझ में आ चुका होगा। तो इस विधि के अंदर क्या क्या होता है, यानी क्या क्या अपने को इस विधि में करना है, तो इस ये तो ऐसे की ऐसे ही आएगा। तो ये पहले लिख लो इसमें, ये पहले तो ये इसके अंदर फिनोल बनाना है पहले, तो ये सेम टू में यहाँ पे काम आने वाला है। यहाँ पे लेके आए क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन वापस कराओ NaOH के साथ, और यहाँ पे लेना है CuCl2 लेना है, और यहाँ पे लेंगे आप CuCl2 और ओब्लिक में लेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे 360 डिग्री, और 200 डिग्री वास्तविक दाब। तो इसके अंदर क्या लेना है, कॉपर क्लोराइड लेना है CuCl2, यहाँ पे कैटेलाइज क्या लेना है, कैटेलाइज उत्प्रेरक क्या लेना है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 360, यानी क्लोरोबेंजीन लेके NaOH के साथ रिएक्शन कर, आप KOH के साथ भी करा सकते हो बेटा, यहाँ पे आप KOH भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आगे रिएक्शन होगी, कोई टेंशन नहीं लेगा, आगे रिएक्शन होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, एनी बडी एल्स नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बता रहा हूँ। फिनोल इसके आगे भी बन सकता है, इसकी रिएक्शन आगे कराएंगे, OH बन जाएगा प्लस NaCl, ये तो पहले वाली रिएक्शन ही बन गई। अब दूसरी रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या करना है, दोबारा आपको लेना है क्लोरोबेंजीन लेके आनी है दोबारा, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे कराएंगे आप, दोबारा क्लोरोबेंजीन लेके आनी है, इसकी रिएक्शन कराइए Na2CO3 के साथ प्लस H2O, क्या लेके आओगे, Na2CO3 प्लस H2O, क्या लेके आनी है दोबारा, ध्यान दीजिएगा जनाब, क्या लेके आनी है, ध्यान देना जी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और क्लोरोबेंजीन के H2O से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे भी फिनोल बनेगा, क्या बनेगा, फिनोल बनेगा, यहाँ पे फिनोल बन जाएगा C6H5OH प्लस यहाँ पे बनेगा NaHCO3 प्लस, और यहाँ पे बनेगा बेटा जी, ये आएगा नहीं, मुझे दिख रहा है कैमरे में आ रहा होगा NaHCO3 प्लस NaCl, इतना सभी के समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर भी आप स्टेट एरो में 360 लगाइएगा, यहाँ पे सेम ऐसे वाला नीचे भी लगा दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे किया है वैसे ही ऊपर वाला भी यहाँ पे आएगा, डैश डैश लगा दो। तो एक बार स्क्रीन शूट ले लो सभी इसका, मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ, स्क्रीन शूट ले लो, फिर दोबारा इस रिएक्शन को मैं बताने जाऊँगा और फिर इसकी थ्योरी लिखाऊंगा, सभी को दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा जनाब। इसके अंदर आपको डाउ प्रोसेस के अंदर स्क्रीन शूट ले लिया होगा आपने, डाउ प्रोसेस में क्या होता है, सेम ऐसे पहले तो वो लेके आएंगे, ऐसे लेके आएंगे,
क्या लेके आएंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बेटा जी, क्लोरोबेंजीन ये है, NaOH से रिएक्शन कराएंगे कॉपर क्लोराइड 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। 200 क्या है, वास्तविक दाब है, यहाँ पे 200 डिग्री वास्तविक दाब, यानी इसका वास्तविक दाब एक्चुअली एक्चुअली प्रेशर 200 डिग्री वास्तविक दाब है यहाँ पे। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो ये तो बन चुका है, पहले बना दिया अपन ने, फिर NaCl, फिर वापस लेके आएंगे, फिर वापस लेके आएंगे, ध्यान देना जी क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे Na2CO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे, बाइकार्बोनेट तो NaHCO3 होता है, तो यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे, उसका करेंगे जल अपघटन, यानी H2O से करेंगे, H+OH देगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, मैंने डायरेक्ट बना दिया फिनोल बन गया, एक चमचमाता हुआ, और NaHCO3 बाहर गया, और NaCl, इनका कोई मतलब नहीं है, ये साले क्या होते हैं, कचरे होते हैं, NaHCO3 plus NaCl, ये सारा क्या होता है यहाँ पे, ये सारे क्या होते हैं, कचरा पात्र होता है, डस्टबिन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, NaHCO3 plus NaCl। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं थ्योरी लिखाऊंगा, थ्योरी लिखना जी भाई, लिखिएगा थ्योरी, थ्योरी लिखना जी बेटा जी। इस विधि में क्लोरोबेंजीन को उच्च ताप व दाब पर कॉपर उत्प्रेरक, इस विधि में क्लोरोबेंजीन को उच्च ताप व दाब पर कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में Na2CO3 से अपघटित कराने पर फिनोल प्राप्त होता है, अपघटित कराने पर, यानी उसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस, क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे जनाब। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, क्या लेते हैं, उच्च दाब है, दाब पर यहाँ पे कॉपर उत्प्रेरक रखते हैं NaOH, अथवा यहाँ पे मैंने क्या बताया Na2CO3, उसको अपघटित करते हैं, और मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है बेटा जी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, फिनोल का। तो जनाब आप ध्यान देना जी बेटा, बेसिकली ध्यान दीजिएगा भाई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है, आप ये भी डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे C6H5 ले लो, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दो सोडियम कार्बोनेट के साथ, और इसका करा दो अपघटित, इसका कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक चमका चमचमाता हुआ, चमका के नहीं चमका, दिमाग में आपके चमक गया होगा, तो मेरे पास क्या बनेगा जनाब, फिनोल बनेगा। तो आपको सभी के समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको बताया। तो ये दूसरी तीसरे नंबर की रिएक्शन थी, सॉरी दो नंबर की, तो एरिल हैलाइडो से बताई, एरिल हैलाइडो की आपको कहानी समझ में आ गई, BSc फर्स्ट ईयर में आप फट के आयोग यूनिट 5 में, एल्किल हैलाइड पूरा एक यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये एरिल हैलाइडो से और डाउ प्रोसेस से कैसे बनता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराओगे Na2CO3 plus H2O, तो रिएक्शन के अंदर क्या चमचमाते हुए बनेगा, जो स्टेट एरो के आगे क्या बनेगा बेटा, वहां पे बनेगा फिनोल, यानी C6H5OH Na2CO3 plus NaCl, एक बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस वो कचरा होता है बाहर चला जाता है, ऐसे उसका कोई मतलब नहीं होता, अपने को प्रोडक्ट से मतलब है, उत्पाद से मतलब है, तो क्या बनेगा बेटा C6H5OH, क्या बन गया, फिनोल। इतना आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जनाब अगली रिएक्शन लिखिएगा, चौथी रिएक्शन लिखिएगा, डाइएजोनियम लवणों से, चौथे नंबर आप टाइटल के अंदर लगाना, कॉपी के अंदर नोट्स के अंदर लिखिएगा, डाइएजोनियम लवणों से। बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी के वीडियो लेक्चर आ रहे हैं आपके पास, तो आप इनको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, राजपूताना PG कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना भी हो सके इसको फैला दो, ठीक है, कॉलेजों के अंदर जितनी भी कॉलेज है राजस्थान स्टेट में। अब देखिएगा जनाब इसके अंदर क्या होने वाला है, बेसिकली अब मैं इसकी आगे की कहानी बताने जा रहा हूँ, 4 नंबर की रिएक्शन है जनाब, ध्यान दीजिएगा जनाब, मैं 4th नंबर की रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ,
लिखिएगा भाई, लिखिएगा बेंजीन, बेंजीन डाई डाई एजोनियम 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 लवणों से, लवणों से। जनाब इसकी क्या खानी है, पहले यहां से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है बेसिकली, तो इसके अंदर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको पहले लिख देता हूं मैं बाई बेंजीन डाई एजोनियम एजोनियम साल्ट, यानी कैसे बनाई जाती है डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से कैसे बनाया जाता है। जनाब टॉपिक टॉपिक आपने ऊपर टाइटल में लिख लिया होगा कॉपी के अंदर, कौन सी रिएक्शन है, फोर रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब मैं आपको बीएससी सेकंड ईयर में यूनिट 5 पढ़ाऊंगा वहां पे काम आएगा, कौन सा बेंजीन डाइएजोनियम एमीन के अंदर काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है C6H5N2Cl। इसका फॉर्मूला क्या होता है जनाब, ध्यान दीजिएगा, यानी इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मैं बता देता हूं इस रिएक्शन को, C6H5N2Cl, ये क्या है, दिस इज ए बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, ये क्या है, दिस इज ए बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट, ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण है, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, आपको करानी है इसकी रिएक्शन H2O के साथ करा दो, इसकी किसके साथ करा दो, H2O के साथ, और इसको कर दो गरम, कर दो क्या कर दो, और यहां पे लगा दो H प्लस, क्या लगा दो H प्लस। जनाब मैंने क्या बोला सुना आपने, मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, इसका कराएंगे H2 क्या देगा, आयनाइजेशन कराएंगे क्या देगा H2O, जब इसका जल अपघटन करते क्या देता है H प्लस और OH माइनस देता है। अब मैं बताता हूं यहां पे जो N2 दिख रहा है ना, N2 गुड लिविंग ग्रुप होता है, एक अच्छा ग्रुप होता है, बाहर जाने के लिए तैयार होता है, यहां पे N2 दिख रहा है, N2 यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने का ध्यान देना जी, समझने का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे क्या देगा ये डिसोजन कहते हैं H प्लस देता है और देता है OH माइनस। अब जनाब सुनिएगा क्या कहानी है, वैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये लिविंग ग्रुप है N2, ये बाहर चला जाएगा तुरंत, ये छोड़ के चला जाएगा बाहर, चला जाएगा क्या, चल जाएगा बाहर, तो यहां से ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, क्या करेगा, करेगा इधर देखो कैसे करेगा, यहां पे Cl है H प्लस, क्या है H प्लस, या नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव, अट्रैक्शन करेगा दोनों, क्या मिलेंगे अट्रैक्शन करेगा दोनों, क्या करेंगे अट्रैक्शन, यानी प्लस का माइनस के पास, माइनस प्लस है क्या निकल गया, माइनस HCl निकल गया, माइनस कचरा है कौन HCl, बाहर जाएगा और क्या जाएगा, एक एसिड बाहर गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड हाइड्रोक्लोरिक बाहर गया और क्या गया बाहर, आप लगा सकते हो माइनस N2 बाहर गया, ये क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो यहां से क्या निकल, N2 बाहर गया और यहां से HCl बाहर गया, माइनस प्लस और ये गया, और मेरे पास क्या बच गया, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, क्या करेगा इंटरेक्शन, दोबारा देखना एरो का खेल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एरो प्रोटिक्स आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए एरो प्रोटिक्स, यानी तीरों का खेल है तीरों का, तो यहां पे क्या है ये फेनिल ग्रुप इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, क्या करेगा इंटरेक्शन, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके साथ क्या करेगा इंटरेक्शन करेगा, और तो और मेरे पास क्या बन गया फिनोल बन गया जनाब, ये बन गया C6H5OH, चमक गया दिमाग में, क्या बन गया फिनोल, क्या बन गया फिनोल बन गया, क्या बना देखने भाई C6H5OH बना कि नहीं बन गया होगा, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा C6H5OH बन चुका है, बना कि नहीं बना, बन गया होगा, आपको इसमें याद क्या रखना है, मैंने बताया एक तो N2 होता है, N2 क्या होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है, वो बाहर चला जाता है, क्या कर जाता है बाहर चला, और H है ना जो Cl बच रहा है, Cl है ना Cl क्लोराइड आयन, वो किसके साथ इंटरेक्शन करेगा H2O में क्या देता है H प्लस OH, H प्लस के साथ इंटरेक्शन करेगा Cl और क्या बना देगा HCl बना देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो बाहर चला जाएगा और दो जाएंगे यहाँ पे N2 बाहर गया और यहाँ पे HCl बाहर जा चुका है, तो मेरे पास क्या बन के तैयार हो गया बेसिकली फिनोल तैयार हो गया, तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे याद रखना है यहाँ से N2 बाहर जाता है और यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर जाता है, तो ये बेसिकली अभी तक की कहानी थी, तो कहानी के अंदर अपना फिनोल बन चुका है, अब मैं इसकी थ्योरी लिखाऊंगा, थ्योरी के अंदर आप एक बार स्क्रीनशॉट लो रिएक्शन का और कॉपी के अंदर साफ साफ नोट्स बनाओ।
अब मैं इसकी आपको थ्योरी लिखाने जा रहा हूँ जनाब, ध्यान दीजिएगा जनाब, ध्यान दीजिएगा, थ्योरी लिखिएगा, लिखिएगा थ्योरी, मेरे मैं बोल रहा हूँ थ्योरी लिखिएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, लिखिएगा जनाब। जब बेंजीन डाई एजोनियम लवणों की अभिक्रिया, लवणों की अभिक्रिया, जब बेंजीन डाई एजोनियम लवणों की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो, जल के साथ